को जोड़ लें अगर इसमें, तो 330-340 के करीब का मामला बैठ रहा है जो एग्जिट पोल सब कह रहे थे। तो अभी के लिए हाफ वे क्रॉस, और अब देखते हैं अगर गिफ्ट निफ्टी पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा तो 47 पॉइंट्स ऊपर ही है अभी। खैर इसको हम रिविजिट करते रहेंगे। राजेश पालवे भी जुड़ गए। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए। खैर थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, कोई स्टॉक जो आपको समझ आ रहा हो? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक में हमें सीमेंट स्पेस ACC यहाँ पे पसंद आ रहा है, जिस तरीके से कल स्टॉक में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है ACC का मोमेंटम यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखे, कल के डेटा में लॉन्ग बिल्टअप भी बनते हुए दिखे। हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ACC के टारगेट 2760 से लेकर 2780 की तरफ, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2650 के आसपास। ओके ACC खरीदारी करने का कॉल कुरान सर के पास चला जाए और एक बढ़िया सा फंडामेंटल पिक ऐड कर लिया जाए। सुबह चर्चा हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल में। कुरान सर, राजेश पालवे जी आपकी रीडिंग क्या कह रही है अब तक की? जिस प्रकार से इंडिया विक्स आज फिर जिस दिन अमूमन इसका 2014 में 19 में क्रैक हुआ था, ये आपको वो याद दिन याद होगा, दैट मीन्स बाजार अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, आपका सेंस अब तक की रीडिंग क्या कह रही है आपकी? तो आई थिंक वीरू जी देखिए, वॉलेटिलिटी तो काफी बढ़ चुकी है मार्केट में, और जिस तरीके से अभी इंडिकेटिव रुझान बनते हुए दिख रहे हैं सीट्स के, हमें लगता है ये अब नेक टू नेक फाइट जैसा कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे थ्रू आउट द डे हमें लगता है एक वॉलेटाइल सेशन ही रहेगा। काफी टफ है इस मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, क्योंकि मार्केट अभी भी कहीं सेटल होते हुए नहीं दिख रहा है। जो एक प्रॉफिट टेकिंग इनिशिएट हुई है ओपनिंग टिक से, हमें लगता है वो एक्सटेंड होते हुए दिखेगी फर्दर, और जब तक कि कहीं भी एक क्लियरिटी नहीं आती है कि एक हाफ वे मार्क के नजदीक एनडीए या नहीं पहुंच सकती, तो हमें लगता है कि थोड़ा ट्रेडिंग एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। विक्स में जिस तरीके से वापस स्पाइक बना है, हमें लगता है ये 26-28 की ट्रेजेक्टरी में जाते हुए दिखेगा, और निफ्टी अब जिस तरीके से 22800 के लेवल को तोड़ के उसके नीचे सस्टेन हो रहा है, तो हमें लगता है अब ये नेक्स्ट लेवल जो इसका बन चुका है, ओपन हो चुका है, वो 22450 की तरफ हमें लगता है ये भी फिसल सकता है। तो थोड़ा सा ट्रेड को थीन ही रखना है अभी इस वोलेटाइल मार्केट में, हमें लगता है थोड़ा और वेट करना चाहिए, आधा घंटा एक घंटा, वहां पे थोड़ा क्लियरिटी बनेगा तभी कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, अभी वेट एंड वॉच के मोड में ही रहना चाहिए जी। और अब दरअसल लीड्स में भी डिफरेंशियल का आंकड़ा है, अब मेरे ख्याल से अब 70-75 हो गया है, और कुछ और अगर आप देखें नेटवर्क्स पे ये जो आंकड़ा है वो और थिन हो गया है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें जो